हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम डिफरेंशियल कैलकुलस के लेक्चर नंबर 10 पढ़ने वाले हैं। लेक्चर नंबर 10 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? कोचिन मीन वैल्यू थ्योरम। कोचिन मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, पहले वो पढ़ते हैं। स्टेटमेंट है, इफ टू फंक्शन एफ एंड जी, दो कोई फंक्शन है हमारे पास एफ और जी, आर डिफाइन इन अ क्लोज इंटरवल, एक इंटरवल है ए बी, उसमें इस तरह से डिफाइन है कि दोनों फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस ऑन ए बी, यानी ए बी जो क्लोज इंटरवल है उसमें कॉन्टिन्यूअस है। सेकंड, डिफरेंशिएबल ऑन ए बी, सेकंड है हमारे पास जो डिफरेंशिएबल है। थर्ड है हमारे पास जी डैश एक्स नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए बी, यानी एक्स बिलोंग्स टू ए और बी, ओपन इंटरवल में देखें तो कहीं पर भी उस पर जी डैश एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी वहां पे वो डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट अ पॉइंट सी सच दैट, तब उस कंडीशन में एक पॉइंट एक्स सी इस तरह से एग्जिस्ट करेगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए बराबर एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी, जहां पे सी जो है सी बिलोंग्स टू ए बी, जी बिलोंग्स टू सी बिलोंग्स टू ए बी से। तो फिर इस तरह से हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो पहले इसको देखते हैं, इस थ्योरम में फिर से हमारे पास रोले थ्योरम से हम कंपेयर करें तो रोले थ्योरम में ये दो कंडीशन थी, कॉन्टिन्यूअस था, डिफरेंशियबल था और वो डिफाइन फिर डिफाइन भी था एफ और जी वाले फंक्शन। अगर हम देखें इसमें तो एफ कुछ कंडीशन जैसे एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी होगा, क्यों होगा फ्रेंड्स? एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी एंड जी ए नॉट इक्वल टू जी बी, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। ये दोनों कंडीशन क्यों सेटिस्फाई होंगी? अगर सपोज कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है जी डैश एक्स, सॉरी एफ ए के लिए नहीं होगा ये कंडीशन, ओनली जी के लिए होगा कि जी ए नॉट इक्वल टू जी बी। ये क्यों होगा? अगर सपोज कि जी ए इक्वल टू बी, जी ए इक्वल टू जी बी हो जाता है, लेट सपोज कि जी ए इक्वल टू जी बी हो जाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास जो ये टर्म है ये डिफाइन नहीं होगी। सेकंड, अगर जी ए इक्वल टू जी बी हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारे पास जो रोले की कंडीशन थी, जो रोले कंडीशन थी उसमें था जी जो है वो डिफाइन है फंक्शन, अगर जी के लिए हम रोले कंडीशन की बात करें, और सेकंड हमारे पास जी जो है वो कॉन्टिन्यूअस है ए बी में, डिफरेंशिएबल है ए बी में, और जी एक्स इक्वल टू जी ए इक्वल टू जी बी हो गया, ये थर्ड कंडीशन हमारे पास आ गई। तो उस कंडीशन में रोले की सारी कंडीशन फॉलो हो जाएंगी, और रोले की सारी कंडीशन फॉलो होते ही हमारे पास वो एक दे देगा जिस दो रोले का रिजल्ट था जी डैश सी इक्वल टू जीरो, जहां पे सी बिलोंग्स टू ए बी, तो वहां पे ये कंडीशन आ जाएगी जी डैश सी इक्वल टू जीरो सी बिलोंग्स टू ए बी। बट यहाँ पे क्या कह रहा है, जी डैश एक्स नॉट इक्वल टू जीरो किसी भी एक्स बिलोंग्स टू ए बी के लिए, तो इसका कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जी ए नॉट इक्वल टू जी बी है, तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जी ए नॉट इक्वल टू जी बी। अब फिर यहाँ पे हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जो कि इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा होगा। सपोज हमने एक फंक्शन लिया, लेट एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस ए जी एक्स, ये हमने कोई फंक्शन लिया। अब फिर ये फंक्शन हमारे पास जो जी एक्स फंक्शन है, एफ एक्स फंक्शन है, ये हमारे पास ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, और सब और हम ये कह रहे हैं कि ये फंक्शन जो है एफ एक्स फंक्शन ये रोले की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये फंक्शन जो है ए बी में डिफरेंशिएबल डिफाइन है, तो क्योंकि एफ एक्स डिफाइन है जी एक्स डिफाइन है और ए कोई कॉन्स्टेंट माना है हमने, ये भी डिफाइन है। सेकंड, कॉन्टिन्यूअस ऑन ए बी, क्योंकि एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है जी एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है, ये कोई कॉन्स्टेंट है, तो जी एक्स एफ एक्स दोनों कॉन्टिन्यूअस है तो एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं हमें। डिफरेंशिएबल ऑन ए बी, अब क्योंकि एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल है, जी एक्स जो है वो भी डिफरेंशिएबल है, ये कोई कॉन्स्टेंट है तो एफ एक्स भी डिफरेंशिएबल होगा। अब थर्ड हमें चेक करना है कि जो रोले की कंडीशन थी कि एफ ए इक्वल टू एफ बी, यानी ये हमारे पास एग्जिस्ट कर जाएगा, यानी कोई हमारे पास एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए, ये भी कुछ ऐसी वैल्यू आ जाए कि जिसके लिए ये कंडीशन हो जाए और ये ऐसा कॉन्स्टेंट मिल जाए जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, तो हमें ये ए को कॉन्स्टेंट सर्च करना है। तो इस कॉन्स्टेंट को हम सर्च करने के लिए
सपोज कि हमारे पास यहाँ पे सपोज एफ ए बराबर एफ बी, ये हमने सपोज किया है, तो एफ ए बराबर एफ बी है, तो उस कंडीशन में हमारे पास एफ एक्स प्लस ए सॉरी एफ एफ ए क्या है हमारे पास, एफ ए यहां पे अगर ए की वैल्यू पुट करें तो एफ ए प्लस ए जी ए इक्वल टू एफ बी प्लस ए जी बी, ये है हमारे पास। अब फ्रेंड्स अगर एफ ए इक्वल टू एफ बी है तो उस कंडीशन में हमारे पास यहां से ए बराबर क्या जाएगा, ए बराबर देखें तो यहां से इस टर्म को हम इधर ला रहे हैं, तो ये हो गया हमारे पास ए, और ए कॉमन ले लिया इसमें से, तो जी ए माइनस जी बी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए, या यहां से हो गया हमारे पास ए इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए एंड जी बी माइनस जी ए सॉरी जी ए माइनस जी बी। हेंस ऐसा ये जो कॉन्स्टेंट है वो एग्जिस्ट करेगा, क्यों करेगा कॉन्स्टेंट, क्योंकि एफ ए एफ बी की वैल्यू है और जी ए नॉट इक्वल टू जी बी है, क्योंकि ये हमारे हमने पहले शो किया है जी ए नॉट इक्वल टू जी बी है, तो उस कंडीशन में ये कभी जीरो नहीं होगा, तो ये वैल्यू जो है एक फाइनाइट वैल्यू होगी, तो ये हमारे पास इस तरह से एग्जिस्ट कर जाएगा। यानी अब हम एफ एक्स को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, फ्रेंड्स कैपिटल एफ एक्स को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कैपिटल एफ एक्स बराबर स्मॉल एफ एक्स प्लस ए की वैल्यू अगर पुट कर दे तो ये हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी ए माइनस जी बी डॉट जी एक्स, ये हो गया हमारे पास। अब फिर रोले थ्योरम क्या कहती है, रोले थ्योरम में देखें एफ एक्स पे, तो एफ एक्स के हमारे तीनों टर्म हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि एफ ए इक्वल टू एफ बी बराबर हमने ए माना है। अब हम चेक कर सकते हैं अगर एफ ए बराबर एफ बी होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो यहां से हमारे पास रोले की ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो रोले की अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उस कंडीशन में हमारे पास जो रोले का रिजल्ट था, अगर तीनों कंडीशन रोले की सेटिस्फाई हो यानी कि वो कॉन्स्टेंट हो कॉन्टिन्यूस हो फिर वाइज डिफाइंड हो उसके बाद कॉन्टिन्यूस हो डिफरेंशियबल हो और एफ ए इक्वल टू एफ बी किसी एक इंटरवल में, तो ए बी इंटरवल में अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो हमारे पास एक पॉइंट मिलता है एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, जो कि रोले थ्योरम में फ्रेंड्स प्रीवियस वीडियो में पढ़ाई थी, आप देख सकते हो आप, तो हमारे पास एक ऐसा पॉइंट मिलता है जहां पे एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, यानी इसके लिए हमारे पास इसका डेरिवेटिव अगर निकाले तो डेरिवेटिव एफ डैश सी इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो एफ डैश एक्स उस पॉइंट को निकालने के लिए एफ डैश एक्स निकाला, तो एफ डैश एक्स है हमारे पास एफ डैश एक्स प्लस ये हमारे पास एक कॉन्स्टेंट है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी ए माइनस जी बी और ये हो गया जी डैश एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये हमारे पास एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो होगा। अगर आप यहां से हम वैल्यू निकालें तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, इसको सॉल्व करें तो इस साइड एफ एक्स को उस साइड में ले जा रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी ए माइनस जी बी इक्वल टू, अब एफ ए इसको ले गया मैं एफ एक्स को, ये हो गया, और अगर इसको एफ एक्स जी ए सॉरी एफ डैश एक्स है और जी डैश एक्स का डिवाइड किया हमने जी डैश एक्स, तो यहां पे ये जब आया इधर तो एफ एक्स जब आया तो माइनस के साथ आएगा आर एच एस में, ये हो गया। अब अगर माइनस साइन को इधर मल्टीप्लाई कर ले तो क्या यहां से माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये जी बी माइनस जी ए लिख सकते हैं और माइनस साइन को हटा सकते हैं, तो हमारे पास जो कंडीशन था कि अगर इस तरह का हमारे पास पॉइंट हो तो हमारे पास एक पॉइंट इस तरह से मिल जाएगा, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो फ्रेंड्स यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो कंडीशन है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए इक्वल टू एफ डैश एक्स अपॉन एफ डैश, यानी कोई एक्स पॉइंट ऐसा मिल गया हमारे पास जो कि उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स
और चूंकि क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो एक्स पॉइंट जो मिलता है वो एक्स बिलोंग्स टू इससे रोले थ्योरम से एक्स बिलोंग्स टू ए भी होता है, तो यहां से भी हम कहेंगे कि ये एक्स बिलोंग्स टू ए भी है। तो हमारे पास यहां से एक्स बिलोंग्स टू ए भी पॉइंट मिल गया, या एक्स को एक्स जगह हम सी रिप्लेस कर सकते हैं कि ये सी बिलोंग्स टू को ये कॉन्स्टेंट ए पॉइंट मिल गया, तो इस तरह से हम उस पॉइंट को सर्च कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको इसको और एक्सप्लेन करते हैं। ये हो गया हमारे पास रोले कोची मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ। तो फ्रेंड्स, इस थ्योरम के प्रूफ के लिए हमने देखा कि हमारे पास कोची जो थ्योरम थी, सॉरी रोले थ्योरम थी, जो कोची थ्योरम के लिए रोले थ्योरम जो थी वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, क्योंकि उसकी हेल्प के बिना हम इसको प्रूफ नहीं कर सकते थे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले रोले थ्योरम देखें, रोले थ्योरम का प्रूफ देखें, रोले थ्योरम का स्टेटमेंट देखें कि स्टेटमेंट क्या था। वैसे मैंने इसमें पूरा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि उसका स्टेटमेंट साथ में एक्सप्लेन हो जाए। अगर फिर भी आपको स्टेटमेंट एक्सप्लेन ना हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हो। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। हमारे पास एक फंक्शन है वेरीफाई कोची मीन वैल्यू थ्योरम। ये थ्योरम को फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। अब एक फंक्शन दिया हुआ है, उसके लिए हमें कोची मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है। फंक्शन है हमारे पास fx = x² और सेकंड है हमारे पास gx = x³ और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1 to 2, ये है हमारे पास। अब फिर से अगर हम देखें पहले इसकी कंडीशंस को देखें, हम जो हमारे पास कोची की कंडीशन थी, क्या ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है? तो पहले हम उसको चेक कर रहे हैं। वैसे डायरेक्टली भी हम उसको शो कर सकते हैं अगर हम हमसे पूछा कि वेरीफाई करने के लिए पूछा है। वैसे पहले बट हम इसे कंडीशन देख रहे हैं, क्या ये ए और बी में कॉन्टिन्यूस है, x² कॉन्टिन्यूस है, x³ कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, डेफिनेटली डिफरेंशिएबल है, f(x) निकालते हैं, g(x) निकालते हैं ऐसे फंक्शन का, तो ये डिफरेंशिएबल है। और g(x) अगर निकालें g(x) वो ये वाली टर्म, तो g(x) बराबर 3x² = 0 पुट करें तो x = 0 आता है, जो कि इससे इसमें नहीं है। तो यहां से हमारे पास x जो जहां पे g(0) जो हो रहा है वो पॉइंट वहां पर नहीं, यानी 1 और 2 जो ये सेट है इसमें ये पॉइंट कहीं पर भी 0 नहीं है। तो हमारे पास एक पॉइंट ऐसा मिल जाना चाहिए जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, यानी कि f(b - g)a / g(f)c / g(c), यानी इस तरह का हमें पॉइंट मिल जाना चाहिए। तो अब ये पॉइंट सर्च करने के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। तो हमारे पास यहां से अगर हम देखें तो fb की वैल्यू है, fa की वैल्यू है। fb की वैल्यू क्या है हमारे पास, fb की वैल्यू अगर पुट करना चाहे तो हम यहां से f2 पे ये वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस fa की वैल्यू 1 पे ये वैल्यू 1 अपॉन gb की वैल्यू यानी g की वैल्यू 2 पे 8 माइनस जी की वैल्यू 1 पे 1 इक्वल टू f(c). तो f(c) यानी यहाँ पे हमारे पास इसका डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएशन लिखे तो ये हो जाएगा 2c / xc पे लिख रहे हैं, और यहाँ पे लिख रहे हैं 3x², तो 3x² को क्या लिख सकते हैं, 3c² xc पे हमें लिखना है। तो यहां से हमारे पास जो हो गया c से ये c कट गया, तो ये आ गया हमारे पास यहां से, इसको हम लिख सकते हैं 2 / 3c = 3 / यहां से अगर देखें 3/7, तो यहां से हमारे पास आ गया c = c को हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं, c को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा, और इसको इधर मल्टीप्लाई करते 14/9, तो 14/9 = c। तो अगर ये देखिए ये वैल्यू देखे फ्रेंड्स, तो इसकी वैल्यू जो है 1 पॉइंट ये हमारे पास 1.55 के आसपास है ये वैल्यू,
1.55 की वैल्यू जो कि 1 और 2 के बीच में है। तो यही हमारे पास जो मीन कोची मीन वैल्यू थ्योरम कही थी, या अगर हमारे पास इस तरह की कंडीशन हो fg भी not equal to g a हो, ये फंक्शन कंटीन्यूअस हो डिफरेंशिएबल हो, तो उस कंडीशन में हमारे पास c एक पॉइंट ऐसा मिल जाता है जो कि बिलोंग्स टू ए भी होगा कि f'c / g'c = ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होगी। तो इस तरह से हम कोची मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।